नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आप देख रहे हैं माइंड एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी स्टेट के रिजल्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। आज का ये क्या बोलते हैं पेपर है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दैनिक भास्कर ने कुछ नोटिफिकेशन दिया है स्टेट को लेकर के, और इस पर क्या चर्चा हुई है, तो चलिए इसको रीड आउट करते हैं, ठीक ना। और इस माध्यम के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि स्टेट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, उसके बाद स्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो हर एक चीज़ डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो बने रहे आप इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, ताकि आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो मिस ना हो, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है, स्टेट का रिजल्ट 3 माह बाद भी जारी नहीं, 5 लाख अभ्यर्थी इंतजार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे स्टेट फेज 1 में, और सब अभी तक अपनी रिजल्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं। और बात करते हैं दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षण पात्रता परीक्षा स्टेट का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। परीक्षा के 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब तक रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। दोस्तों, इस पेपर के माध्यम से और इस न्यूज़पेपर के माध्यम से दोस्तों ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पेक्ट होगा, और आप लोग का रिजल्ट देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब डिटेल दिया हुआ है कि कब एग्ज़ाम होना था, और कितना अभ्यर्थी बैठे थे, और कब एग्ज़ाम हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड के ही परीक्षा कैलेंडर के अनुसार दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा कैलेंडर जो दिया गया था स्टेट का, यहाँ पे लिखा हुआ है जो पहला परीक्षा कैलेंडर था स्टेट का प्रथम फेज के बारे में, 1 से 20 मार्च के बीच में एग्जाम हो जाना चाहिए था, उसके बाद इसका रिजल्ट 18 से 20 जून के बीच, और अब तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है। और दूसरा बात करें दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम कितना दिन में हो जाना चाहिए, 10 से 31 सितंबर, अब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और ना ही इसका रिजल्ट। अब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से दोस्तों ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होने वाला है, और दोस्तों इससे ज़्यादा इस न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट आप लोगों को डिटेल्स बताया गया है। और अभी बात कर लेते हैं स्टेट फेज 1 का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि इस महीना के लास्ट तक उस या नहीं तो अगले महीना के प्रथम वीक तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आप लोग को लगता है आपका आंसर की अच्छा गया है, तो ज़रूर आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा, और आप बिल्कुल बने रहिए स्टेट TRE 4 के साथ, और अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखें। और इस बार की बात कर लेते हैं स्टेट फेज 2 के बारे में, तो दोस्तों इस बार स्टेट फेज 2 वाले को भी मौका मिलने की संभावना है। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर के प्रिपरेशन पर फोकस करिए। जैसे ही TRE 4 आता है, आप लोग को ज़रूर मौका मिलेगा, उससे पहले स्टेट 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा पेपर में सीटेट के बारे में दिया हुआ है। अगर आप सीटेट का क्या बोलते हैं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप अंतिम तिथि देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2024 तक है। ये आप लोग का क्या बोलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.NIC.IN। आप यहाँ पर जाकर के अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जरूरी योग्यता यहाँ पे पेपर में भी लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, यही था दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, और बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए अपने रिजल्ट को लेकर के। अगर एग्जाम हुआ तो रिजल्ट जरूर आएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा और आपसे मिस ना हो, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये लगता है इस वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी पेशेंस पे अच्छे से फोकस करे, और अपने स्टडी को लेकर के, ठीक ना, अपने पेशेंस ना खोए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।